सभी पशुपालक मित्रों को नमस्कार, मैं देव शेखावत, आप देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग चैनल। दोस्तों, हम जो जेर गेरने की जो सीरीज चला रखी है उसी की ये तीसरी कड़ी आ रही है। उससे पहले की दोनों वीडियो आप जो ये आई बटन चल रहा है इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हमने पहले भी आपको दो फार्मूले बताए, वो आप यहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप ये देख लीजिए कि हमने कौन कौन सी वीडियो डाली हुई है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पशु जेर नहीं गेर पाता है और इसे कुछ भयंकर बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जैसे मैस्टाइटिस जैसी, ब्रुसेलिन जैसी, इस तरह की बीमारियाँ बन जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब काम की चीज़ें हैं, बस हमें पता नहीं है। एक बहुत कॉमन सा पेड़ होता है, वह होता है बेर की झाड़ी, बेरी भी बोलते हैं उसको, बेर की झाड़ी बोलते हैं, बेरी का पेड़ बोलते हैं। तो उस बेरी को मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा, आप पहचान जाएंगे। बेरी की जो झाड़ी है उसके पत्ते जो हैं ना, वो इस काम में बहुत कारगर हैं। आपको हरे पत्ते लेने हैं फल सहित। ये पत्ते लेकर के आप अपने पशु को, अगर वो डायरेक्ट खाता है तो सीधा उसको खिला दीजिए, और अगर सीधा सीधा नहीं खाता है तो आप उसको ऐसा कीजिए, पानी ले लीजिए 1-1.5 लीटर, और उसके अंदर उन पत्तों को कूट पीस करके डाल दीजिए। जब वो बॉईल हो जाए, आधा पानी रह जाए, तो उसको नीचे उतार लीजिए और उसको छान करके उसमें 250-300 ग्राम आप गुड़ मिला लीजिए, और गुड़ मिला करके अपने पशु को ठंडा होने पर पिला दीजिए। इसी तरीके से आप उसकी जेर रिमूव कर सकते हैं। और इसको अगर बिल्कुल सूखे पत्ते हैं तो सूखे पत्तों की स्थिति में भी आप उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक का हक भी बनता है यार दोस्तों। दूसरा है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया कीजिए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसी लग रही है। और दूसरा दोस्तों, आप सभी एक कमेंट आज जरूर कीजिएगा इस वीडियो के अंदर कि आप किस किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं। अपने स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास में बेरी या बडबेरी या बेरी का जो पेड़ होता है उसके पत्ते अगर सूखी हुई अवस्था में हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको पत्ते लेने हैं, उनको जला करके राख बना लो, और राख बना करके और वही गुड़ का पानी बना करके, गर्म पानी कीजिए, गुड़ का पानी बना लीजिए, गुनगुन पानी के अंदर उस राख को मिला कर अच्छे से अपने पशु को गुनगुना गुनगुना पिला दीजिए, आपका पशु जेर गिरा देगा। ये आसान आसान नुस्खे और अहिंसक नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके माध्यम से आप ये सब काम कर सकते हैं। और ये जो विक्की पंसारी जी जो हैं, कनीना वाले विक्की भाई, उनके प्रोडक्ट आप देख भी रहे होंगे, मेरे पीछे लग रहे हैं, ये आप ऑनलाइन अपने घर पे बैठे हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा हमारा, यहाँ पे पट्टी चल रही है, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल करके और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं ना, वो आपके घर तक पहुँच जाएगा और आप अपने पशु का स्वास्थ्य आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात से दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि आई बटन क्या होता है। तो आई बटन दोस्तों, जो मेरे ऊपर जो कोने के अंदर एक आपको गोल गोल निशान दिखाई दे रहा है, वहीं पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको दूसरी वीडियो दिखाई दे जाती है कि इसी सीरीज पर भी चल रही है, दूसरी भी वीडियो है, तो वो आपको आई बटन में दिखाई दे जाएंगे। एक स्क्रीन का जो एंड होता है वहाँ पर भी आपको वीडियो दिखाई देती है, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है अगर उपयोगी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके जो पशुपालक जो दूसरे भाई हैं वो भी इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब दूसरी वीडियो के अंदर एक दूसरे पेड़ और दूसरी पत्तियों के बारे में जिक्र करेंगे कि आपकी पशु के किस तरीके से काम आ सकती है। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सभी दोस्त सही सलामत रहें।